ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸਿਬ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਗਵਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਜ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ 300 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ दस दिए कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरद्वारा कागवन साहिब विखे लखी शाह बंजारा हॉल में गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर के तब्दील किया गया है। बीते दिन दिल्ली सरकार द्वारा इस कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया तो उस तो बाद कोविड केयर सेंटर को एक हस्पताल के नाल भी जोड़िया जा चुका है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा का आखना है कि हुण 300 बैडा के नाल इस कोविड केयर सेंटर की शुरुआत अज तो की जा रही है तो जल्द ही बाकी 100 बैडा भी लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत तो पहला ड्राई रन किया गया भाव कि इसका निरीक्षण किया गया उस तो बाद ऐलान किया गया कि 10 मई को सेवावान शुरू की जाएगियां। आज 300 बैड कोरोना केयर सेंटर के कोरोना मरीजों मुहैया करवाए जाएंगे तो जल्द ही बाकी के 100 बैडा भी शुरू किया जाएगा। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा का आखना है कि दिल्ली कमेटी ने डॉक्टर के पैरामेडिकल स्टाफ के रहने लिए प्रबंध भी किए ने होर सहूलत भी दित्तियां जा रही ने। दिल्ली सरकार ने स्थानक डीएम नूं कोरोना केयर सेंटर का नोडल अफसर बनाया है जबकि कमेटी वालों दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका नूं नोडल अफसर बनाया गया है। जिक्र जो है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलदियां देश की राजधानी दिल्ली दे विच हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। इन हालातों दरमियान दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कोरोना केयर सेंटर की सेवा दिल्ली के लोगों समेत समुची मनुखता के लिए औखी घड़ी के साथ देने का संदेश दिंदी है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि मैडिकल ऑक्सीजन की घाट करके कोरोना मरीजों को बड़िया परेशानियों का सामना करना पै रहा है और इस गल को ध्यान में रखदिया ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत की गई। बीते दिनों तो ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दिल्ली सरकार के नाल राबता कायम किया जा रहा है ता जो इस कोविड केयर सेंटर नूं किसी हस्पताल के नाल जोड़ा जा सके ता जो जेकर किसी कोरोना मरीज की हालत गंभीर होंदी है तो उसनूं आईसीयू दे विच शिफ्ट किया जा सके। बीते दिन ही दिल्ली सरकार द्वारा गुरुद्वारा कागवन साहिब विखे पहुँच के कोरोना केयर सेंटर नूं देखा गया और दिल्ली सरकार द्वारा इत्थे डॉक्टर नर्सां ते होर स्टाफ नूं भी तैनात हुण कर दिता गया है। दिल्ली सरकार की मंजूरी के नाल इस सेंटर नूं LNJP हस्पताल दे नाल जोड़िया गया है ता जो लोड़ पैण ते मरीज़ नूं ICU विच इलाज की सहूलत दी जा सके। कोविड केयर जो फैसिलिटीज हैं ये सारी दिल्ली सरकार का सहयोग के साथ चलेगी। दिल्ली सरकार ने जो यहाँ के लोकल डीएम है उनको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। डॉक्टर नर्सेस और सारा स्टाफ जो है वो दिल्ली सरकार इसमें प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस जगह को अपनी LNJP हॉस्पिटल के साथ जोड़ा है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ICU बेड जो है इस हॉस्पिटल के लिए LNJP में रिजर्व रहेंगे। ये प्रॉपर कोविड केयर सेंटर जो है पिछले 10 दिन के अंदर हमने जैसे आर्मी का टेम्परेरी हॉस्पिटल होते हैं उस तरह पर इसको बनाने की कोशिश की है। इस कोविड केयर हॉस्पिटल के अंदर हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सर हरमीत सिंह कालका जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में वो हमारे इसके नोडल ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे। दिल्ली की सिख संगत द्वारा गुरु तेग बहादुर कोरोना केयर सेंटर के वख मैडिकल सहूलत मुहैया करवा के अपनी सेवा निभाई जा रही है। इस अलावा बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन द्वारा भी सेवा की प्रशंसा की गई है। अमिताभ बच्चन द्वारा 2 करोड़ रुपए का दान भी गुरु तेग बहादुर कोरोना केयर सेंटर को दिता गया है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा यह जानकारी साझी की गई और इस ही अमिताभ बच्चन का धन्यवाद भी किया गया। इस तों इलावा विश्व पंजाबी संस्था के मुखी बिक्रम सिंह सानी द्वारा भी कोरोना केयर सेंटर 200 ऑक्सीजन कंसट्रेटर दिए गए हैं। इस तरीके दे नाल होर वख-वख लोगों द्वारा भी अगे आ के वख-वख सेवावां दी जिम्मेवारी ली जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करना दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों सरदार रजिंदर सिंह जी का सरदार अनूप सिंह जी का 20 जून जो इन्हां दी कंपनी आ जिहड़े सारे तुसीं ऑक्सीमीटर देख रहे जे ये सारे ऑक्सीमीटर इन्हां वालों परिवार वालों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के अंदर जो ये कोविड केयर सेंटर बनया वो वास्ते दी गई सेवा है। सो 300 ऑक्सीमीटर की सेवा मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बहुत संगतों वालों अपार सेवावान की जा रही ने कोई ऑक्सीमीटर लैके आ रहा तो कोई ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लैके आ रहा है। एक भीर 400 बैड दे के गए ने पहला 300 दिते 100 बैड अज होर दे गए
एक वीर ट्रक भर के दवाई का देके गए ने, एक साड़ा वीर 5-6 लाख दी सारिया तारा की सेवा लेके गए, सारे अपने को ही करा के चले गए सेवा, एक साड़ा वीर सारे सारे स्टेपलाइजर लगा के चले गए। तो भाई बहुत धन्यवाद है संगत का, किन्ना धन्यवाद करिए इन्हां कीमती जानां नूं बचाउण वास्ते जिहड़े लोग अज अगे आए आ, रब उन्हां दा सब दा सच्चे पिता परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाम जाणदे ने जाणू ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा का आखना है कि गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर को सिर्फ 10 दिनों के तैयार किया गया और इसकी शुरुआत कर दिए जाने तो बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब और होर वख-वख थावां ते भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इसे तरह होर कोविड केयर सेंटर भी शुरू किए जाएंगे।